गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? नाश्ते में हमारे बन रही है मक्की मेथी की रोटियां, बना रही हूँ मैं, साथ में चाय और गर्मा गर्म मक्की की रोटी पे मक्खन रख के खाने वाले हैं हम सब। आप भी आ जाओ, आपको गर्मा गर्म नाश्ता कराते हैं। ओए होए होए, मक्की की रोटी। और ये रहे आपके जीजू एंड पार्थ शर्मा। गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। और यहाँ सफाई चल रही है घर की, रोटियाँ आ रही हैं गर्मा गर्म। टेबल पे आ जाना जब आवाज़ लगाऊंगी। रोटियाँ किसके साथ? मक्की की रोटी मक्खन के साथ। नहा धो के पाठ कर लिया है, गुरु जी की जय कर ली है, गुरु नानक देव जी को याद कर लिया है। तो आज है 553rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा फेस्टिवल पर्व है। और अभी लंच के लिए मैंने राजमा बनाए हैं, साथ में चावल बॉईल कर रही हूँ, रोटी बनाऊँगी। और अगर गुरु जी ने चाहा तो आज शाम को हम गुरुद्वारे ज़रूर जाएंगे, मेरा बड़ा मन है। देखो कहाँ जाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? 8:30 बज गए, पार्थ स्कूल जा चुका है। उसको मैंने ब्रेकफास्ट में भिंडी बना के दी थी और अभी मम्मी पापा को भी भिंडी के साथ दूंगी। और मैंने उसके लंच के लिए शाही पनीर बनाया था, काजू के पेस्ट वाला, वो थोड़ा सा बचा है। और इधर आपके जीजू के लिए बना रही हूँ मैं इडली। तो ये सूजी दही का बैटर है जो मिक्स कर रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा बीटरूट डालूँगी, बीटरूट इडली बैटर। तो ये मैंने सूजी और दही के बैटर में बीटरूट डाल दिया है, चुकंदर। और अब हम इडली इसको स्टीम करेंगे। तो ये हमारा इडली बैटर डल गया है सांचों में और अब हम इसको डालते हैं स्टीमिंग के लिए। सेकेंड बैच ऑफ इडलीज डल गया है अंदर और ये रहा हमारा फर्स्ट बैच, बीटरूट इडलीज विद धनिया टमाटर चटनी। आ जाओ गाइस। बीटरूट इडलीज
बीट रूट इडलीज खा के देखो। ठीक है, रूम क्लीन, बेड कवर चेंज, सफाई चल रही है घर की, और ब्रेकफास्ट आपके जीजू ने भी कर लिया है, उनको बीट रूट इडलीज काफ़ी अच्छी लगी। तू खा के देखियो सरिता, ये इडली। मेरे दो वीडियोस एडिट हो गए हैं, अपलोड भी हो गए हैं, पब्लिश हो जाएंगी जब उनका टाइम होगा। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी बिकॉज आई नीड रेस्ट इन बिटवीन फॉर फ्यू मिनट्स। हाय गाइस, अभी मैं अपना मकबांग वीडियो शूट करके आती हूँ और ये जो स्माइल आपको मेरे फेस पे दिख रही है, ये वीडियो पे कमेंट्स पढ़ने के बाद आ रही है। आज बड़ा मस्त वीडियो शूट किया है, चैलेंज वीडियो, उसमें आपके जीजू भी आए हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, खाना खिला दिया है सबको। आपके जीजू ने तो आज साउथ इंडियन ही खा लिया है, मम्मी को शाही पनीर के साथ खिलाया है जो सुबह पार्थ के लिए लंच में बनाया था। अभी लंच ब्रेक पर हैं, ये रहे। नेल्स कट कर रहे हो? हाँ। नेल्स कट कर रहे हैं ये, अभी वापस इनकी कॉल शुरू होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद स्पेशली वीडियो वाला थकावट हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम को सीधा उठाया कैमरा, याद ही नहीं रहता मुझे कभी कभी, कुछ चीज़ों में इतना बिजी हो जाती हूँ कि भूल जाती हूँ व्लॉग कंटिन्यू करना। तो अभी मोहित के साथ बाहर आई हूँ, बाहर सोसाइटी के ही सब्जी मंडी है ये, तो कुछ सब्जियाँ लेनी थी, आलू प्याज टमाटर ख़त्म हो रहा है और थोड़ा सा मूड बदलना था। बाहर मैं सारा दिन अंदर रहती हूँ ना, तो बहुत कई बारी सफोकेटेड सा फील होता है, तो मोहित ने बोला चलो तुम मेरे साथ चलो, तो बस मोहित और मैं अभी आए हैं, थोड़ा सा एक चक्कर राउंड हो जाएगा, सैर हो जाएगी। बहुत प्याज खराब निकले हैं, काम वाली ने मेरी दिखाए मुझे हर बार काटने के टाइम, ये बढ़िया टाइट वाला। सब्जी तो अच्छी लगी हुई है, ये हल्दी, हाँ कच्ची हल्दी चाहिए। रिचा ने बोला है रात को सोने से पहले कच्ची हल्दी वाला दूध पीना है मुझे, ये भी खाना है तुम्हें। आए हाय, ये वो है ना क्या, बड़ करेला बोलते हैं इसको क्या। गाइस, इन बैंगन का कलर कितना खूबसूरत है, आपके जीजू ने मुझे लेने नहीं दिए। बिल्कुल नहीं लेने। क्यों? तुम काट के बैंगन आलू बना दो, मैं नहीं खाना। तो कितने खूबसूरत है और कितने अच्छे बनेंगे, ना ये बड़के बन सकते हैं ना इनका बड़ता बनेगा। अरे बैंगन आलू की सब्जी बनेगी ग्रेवी वाली, खुद तो तुम खाओगे नहीं, हमारे चिपका। मैं तो खा लूँ अगर रिचा मुझे लिख के दे तो, उसमें सारा जोड़ दिया तुमने, सुनने नहीं दिया। 720 रुपए सर, यहाँ भी तो सब मिर्ची है, कुछ भी नहीं डालना, बस धनिया डाल दो। कार खोल दो, पीछे वाली सीट पे रखना भैया। थैंक यू।